मोटो G54 स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सब चुप चुप करोगे आपकी फ्लैश ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। आप बैक साइड में डबल टैप करते हो तो यहाँ पर जैसे रिकॉर्डर ओपन हुआ, इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मोटो सिक्योर का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है जो आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो उसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे। साथ ही मोटो सिक्योर को किस तरीके से आपको अपने स्मार्टफोन में से गायब करना है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो स्मार्टफोन की सेटअप गाइड को स्टार्ट करते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको माउस एंड कीबोर्ड का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप OTG के थ्रू किसी माउस या कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। तो स्मार्टफोन को फुल सेटअप करते हैं बिना टच किए। सबसे पहले अगर आप किसी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग पर आपको अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाता है कि योर कॉल इज बीन रिकॉर्डिंग। आपको इसको किस तरीके से बंद करना है उसके लिए आपको 3 डॉट पर जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पर जाना है। नीचे आपको मिलेगा प्ले ऑडियो ट्यून इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर, इसको अनेबल कर देना है, एग्री कर देना है। उसके बाद जब भी आप कोई कॉल करते हो और फिर उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपको इस तरीके से एक सिंपल साउंड आने वाली है, तो आपको कोई भी अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगी, एक छोटी सी बीप आएगी, तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। स्मार्टफोन में हमें डायनेमिक वॉलपेपर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर टैप करके रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइज का, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉलपेपर वाला सेक्शन मिलता है, इस पर जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जो कोई भी डायनेमिक वॉलपेपर सेट नहीं करते हैं, सिंपल सा वॉलपेपर रखते हैं, तो उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आपका जूम वाला हुआ, स्वे वाला हुआ, वाला हुआ, तो यहाँ पर आपको और भी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ब्लर का हुआ या फिर ब्राइटनेस का हुआ, ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं अभी जूम कर सेट करके इसको सेट कर देता हूँ, तो उसके बाद जैसे ही मैं होम स्क्रीन पर आऊँगा, आप देख सकते हैं वॉलपेपर किस तरीके से जूम इन हुआ और फिर जूम आउट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ सिंपल वॉलपेपर पे ही वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें डायनेमिक वॉलपेपर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे ये वॉलपेपर है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपने आप यहाँ पर जैसे ही आप टच करोगे उसके अकॉर्डिंग भी चलता है और अपने आप भी ये लाइव वॉलपेपर की तरह चलता रहता है। लेकिन इस टाइम पर आपको जो मैंने अभी इफेक्ट बताया था वो वर्क नहीं करता है। तो आप सिंपल वॉलपेपर पर इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर डायनेमिक वॉलपेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ही हमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। स्मार्टफोन में आपको पहले से ही कुछ प्रीसेट देखने के लिए मिल जाते हैं थीम्स के, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर किस कलर में है, और जैसे ही हम थीम को चेंज करते हैं तो हमारा जो पूरा स्मार्टफोन है इस थीम के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आप इनमें से किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से थीम को क्रिएट भी कर सकते हैं ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके। बाकी आप नीचे यहाँ पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉन्ट कलर आइकन शेप इन सबको अपने अकॉर्डिंग सेट करके अपना एक प्रीसेट बना सकते हैं। स्मार्टफोन के आप फोन्स को भी चेंज कर सकते हैं, आपको 4 ही पहले से फोन्स देखने के लिए मिलते हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नए फोन्स को ऐड करने का कोई भी इनबिल्ट आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। आप यहाँ पर जो अपने आइकन्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, उसको आपको कलर्स में जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम्ड आइकन का, अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपके जितने भी आइकन्स हैं वो थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ज़्यादातर सभी आइकन्स पर ये थीम्ड आइकन अप्लाई हो जाते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन पर ये अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पर आप अपनी UI के कलर्स को वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। यही हमें ऑप्शन मिल जाता है आइकन शेप का, आइकन शेप को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डिस्प्ले का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बोल्ड टेक्स्ट वाला, इसको आप अनेबल करोगे तो जो आपके टेक्स्ट हैं वो काफ़ी बोल्ड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट वाला फीचर भी मिल जाता है, इसको आप अनेबल करते हैं तो टेक्स्ट में और थोड़ी सी चमक आ जाती है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट के नीचे एक वाइट बैकग्राउंड देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर हमें लेआउट चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने स्क्रीन का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2x2 कर दिया है, उसके बाद मैं होम स्क्रीन पर आऊँगा तो आप देख सकते हैं कितने बड़े हमारे आइकन हो गए हैं। साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, साउंड में आप अपनी रिंग टोन, नोटिफिकेशन की साउंड, अलार्म की टोन डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको एक यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, डार्क में आपको एक ट्रांजिशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग खुद से ही डार्क मोड को अनेबल कर देता है, मतलब दिन में लाइट मोड रखेगा और रात होते ही डार्क मोड अनेबल कर देगा, तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्मार्टफोन की डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, उसके लिए हमें डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो ऑटो पर सिलेक्टेड है, आप इसको जो 120 हर्ट्ज़ पर सेट करोगे तो ये खुद से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपकी थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन आपको स्मार्टफोन को यूज़ करने में थोड़ी सी स्मूथनेस एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। नीचे आपको
कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले के कलर आपको सैचुरेटेड पर मिलते हैं, आप इनको नेचुरल पर भी सेट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट में हमें एक काफ़ी अच्छी सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, अटेंटिव डिस्प्ले। इसको आप अगर जो अनेबल कर लेते हैं और उसके बाद अगर जो आप स्क्रीन टाइम आउट को 15 सेकंड्स पर भी सेट करके रखोगे तो आपकी डिस्प्ले ऑफ नहीं होगी ऑटोमेटिक जब तक आप स्मार्टफोन की तरफ देखते रहोगे। इसका मतलब आपकी डिस्प्ले अटेंटिव रहेगी जब तक आप उसकी तरफ देखते रहोगे। तो आप इस सेटिंग्स को ज़रूर अनेबल कर लेना, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। यहाँ पर हमें स्क्रीन सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये सिर्फ जब आपके स्मार्टफोन डॉक्ड होगा या फिर चार्जिंग पर लगा रहेगा उस टाइम पर वर्क करेगा। वहाँ पर आप क्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ फोटोज़ को कस्टमाइज करके यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रीन सेवर दिखने वाला है कुछ। तो यहाँ पर आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है और यहाँ पर हमें 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आप अगर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से इन सभी सेटिंग्स को अनेबल कर लेना। बाकी यहाँ पर हमें 3 फिंगर स्क्रीन शॉट का भी सपोर्ट मिल जाता है, उसके लिए आपको स्मार्टफोन पर 3 फिंगर रखनी है और आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। स्वाइप टू स्प्लिट का भी हमें फीचर देखने के लिए मिल जाता है, उसके लिए आपको डिस्प्ले पर इस तरीके से स्वाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ करने हैं। जैसे प्ले स्टोर मैंने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर फिंगर को इस तरीके से करना है हमें लेफ्ट राइट। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर ऊपर चला गया, नीचे हम किसी भी एप्लीकेशन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सेटिंग्स को ले लेता हूँ, अब देख सकते हैं हम दोनों ही एप्लीकेशन को यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये एप्लीकेशन लेआउट है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें होम एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में जाना है, होम सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले होम स्क्रीन स्टाइल्स पर जाना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐप ट्रे, यही जो आपकी पहले से आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती हैं ये आपकी ऐप ट्रे, या फिर आप इसको ओपन पर भी स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी आपको ऑन स्क्रीन ही शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी एप्लीकेशन स्क्रीन पर ही आ चुकी हैं। उसके बाद आप ऐप ट्रे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ऐप ट्रे का यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर हम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। सबसे पहले सजेशन इन ऐप लिस्ट, ये क्या है, आप जैसे ही ऐप ट्रे को ओपन करते हो तो ऊपर आपको ये कुछ सजेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 ऐप्स। अगर हमें इन्हें हटाना है, इन्हें बंद करना है तो उसके लिए हमें इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद जब भी आप ऐप ट्रे पर जाओगे तो आपको ऊपर सजेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो मैं इसको डिसेबल ही करके रखने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर हमें लॉक होम स्क्रीन लेआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आप स्क्रीन का जो लेआउट है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, किसी भी आइकन को मूव नहीं कर पाएंगे और आप होम स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जब भी अपने स्मार्टफोन को इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन का लेआउट चेंज हो जाएगा। दोबारा से जब आप इसको पोर्ट्रेट पर जाकर इस आइकन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी स्क्रीन दोबारा से पोर्ट्रेट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आप इस टैबलेट व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमें यहाँ पर सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है स्वाइप एक्सेस की, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है नथिंग या गूगल फीड, ये कौन सी सेटिंग है। होम स्क्रीन पर अगर जो आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको ये गूगल फीड देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी शो ना हो उसके लिए आपको इसको नथिंग पर सेट कर देना है। उसके बाद आप होम स्क्रीन पर जाकर लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन में हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ साउंड सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप स्मार्टफोन को उल्टा करके रख देते हैं, मतलब डिस्प्ले नीचे की तरफ, तो आपका स्मार्टफोन डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट हो जाएगा। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ सेटिंग्स को। एक आपको सेटिंग मिलती है पिकअप द साइलेंस, आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल आ रही है, आपका स्मार्टफोन रिंग कर रहा है, जैसे आप स्मार्टफोन को पिक करोगे तो आपका स्मार्टफोन साइलेंस पर चला जाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टी वॉल्यूम वाला। इस फीचर को अनेबल करने के बाद एक साथ दो एप्लीकेशन की साउंड को सुन सकते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल आई है और बैक में आप गेमिंग भी कर रहे हैं तो आप दोनों की साउंड को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आप अपने स्मार्टफोन के हैप्टिक्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में आना है। आप अगर जो बिल्कुल भी हैप्टिक्स का यूज़ करना नहीं चाहते हैं, मतलब जो आपकी वाइब्रेशन फीडबैक होती है जब भी आप कुछ काम करते हैं, कीपैड प्रेस कर रहे हैं तो वाइब्रेट जो होता है आपका स्मार्टफोन, अगर जो आप उस तरीके से कोई भी हैप्टिक नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फिर बाकी आपको नीचे काफ़ी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। यहीं हमें डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर देखने के लिए मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे और इसकी सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पर ये स्मार्ट ऑडियो पर पहले से अनेबल है, ये अपने अकॉर्डिंग खुद से ही ऑप्टिमाइज कर लेगा। बाकी यहाँ पर आप खुद से भी सेट कर सकते हैं, म्यूजिक के लिए, फिल्म के लिए, गेम के लिए, पॉडकास्ट के लिए, या फिर आप कस्टम पर जाकर आप अपना खुद का एक इक्वलाइजर भी सेट
कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक स्पेशल साउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको साउंड में एक 3D इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके गेमिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और क्रिस्टल टॉक AI वाला फीचर मिलेगा, इसको आपको अनेबल रखना है। ये आपका कॉलिंग के टाइम पर बैकग्राउंड नॉइस को काफ़ी रिड्यूस करेगा। और यहाँ पर हमें एक मीडिया कंट्रोल वाला ऑप्शन मिलता है, इसको अनेबल करने के बाद आप अपने म्यूजिक ट्रैक को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं अपने वॉल्यूम कीज़ का यूज़ करके। आप सिंगल प्रेस करोगे तो सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन होगी, लेकिन उनको आप हार्ड प्रेस करके रखोगे तो आपका म्यूजिक ट्रैक फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड हो जाएगा। मैं आपको ऐसी सेटिंग बताता हूँ जिसके बाद आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको अनेबल कर लेना है। इसके बाद आपके स्मार्टफोन पर जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो सभी आपको यहाँ पर शो होती रहेंगी। अगर किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो डिलीट भी कर दिया तो उसके बाद भी आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर चेक कर सकते हैं कि उसने आपको क्या मैसेज किया था। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और यहाँ पर ही हमें नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन शो ना हो तो उसके लिए आपको डोंट शो एनी नोटिफिकेशन पर सेट कर देना है। उसके बाद आपकी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम किसी की भी नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर शो नहीं होगी। स्मार्टफोन में हमें काफ़ी सारे गेस्चर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको गेस्चर सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है साइड बार वाला, इसको आपको अनेबल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोटी सी लाइन मिल रही है, इसको आपको इस तरीके से लेफ्ट स्वाइप करना है और इस तरीके से साइड बार आ जाएगा। आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे वो इस तरीके से फ्री फॉर्म में ओपन होगी। आप उसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और आप जब बिल्कुल छोटा कर दोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये आइकन शो होगा। बाकी यहाँ से आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाकर अपने अकॉर्डिंग ऐप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर जो मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इनको फुल फॉर्म में ओपन करना चाहते हैं या फिर फ्री फॉर्म में। बाकी आप किसी एप्लीकेशन को फ्री फॉर्म में वैसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिसेंट ऐप में जाना है, यहाँ पर ऐप आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री फॉर्म वाला। तो इस स्मार्टफोन में आपको ज़्यादातर सभी ऐप पर फ्री फॉर्म का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गेस्चर की बात करें तो ये सिस्टम नेविगेशन है, वही अगर आपको 3-बटन नेविगेशन सेट करना है तो आप यहाँ से 3-बटन वाला ऑप्शन भी नीचे ला सकते हैं। मैं गेस्चर का ही यूज़ करूँगा। 1-हैंडेड मोड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप अनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा अपने डिस्प्ले को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है, इस तरीके से आपका 1-हैंडेड मोड अनेबल हो जाएगा। डबल प्रेस पावर की वाला गेस्चर भी मिल जाता है। और यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, लॉन्च कैमरा। इट मीन्स आप अगर जो अपने पावर की को डबल प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन पर आप क्या सेटिंग रखना चाहते हैं वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। या तो आप डिजिटल असिस्टेंट रख सकते हैं, मतलब आप इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, या फिर आप पावर मेन्यू को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपका पावर मेन्यू ओपन होगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। नीचे आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्चर मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको क्विक लॉन्च, ये वही वाला गेस्चर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप बैक साइड पर डबल टैप करोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पहले से ऑप्शन मिल जाते हैं। आप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, प्ले पॉज म्यूजिक का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ, बैक टू होम, स्विच टू द लास्ट ऐप, या फिर ओपन ऐप पर जाकर आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जीमेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं स्मार्टफोन के बैक साइड पर डबल टैप करता हूँ तो हमारी डायरेक्ट जीमेल ओपन हो जाएगी। क्विक कैप्चर का भी फीचर मिल जाता है। क्विक कैप्चर वाले फीचर के लिए आपको स्मार्टफोन को इस तरीके से करना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। दोबारा से ऐसा करोगे तो आपका कैमरा स्विच हो जाएगा। फास्ट टॉर्च वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके लिए आपको इस तरीके से चुप चुप करना है, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। दोबारा से आप इस तरीके से करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। लिफ्ट टू अनलॉक वाला फीचर मिलता है, अगर जो आप इसको अनेबल करके रखते हैं उसके बाद आपका स्मार्टफोन ऑफ है तो स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए आपको स्वाइप अप करना पड़ता है। लेकिन इस फीचर को अनेबल करने के बाद आप जैसे ही स्मार्टफोन को स्वाइप अप करोगे आपके फेस के सामने आएगा, आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। स्मार्टफोन की बैटरी की परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज शो नहीं होती है। अगर जो आप इसको अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैटरी सेटिंग्स में जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी बैटरी परसेंटेज वाली, आप इसको जैसे ही अनेबल करते हो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर हमारी परसेंटेज शो हो गई है। बाकी यहाँ पर हमें ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, इसको भी आप अनेबल करके रख लेना। और एक यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज चार्जिंग वाला फीचर मिलता है, अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो 80% तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी फास्ट चार्ज होगी, लेकिन लास्ट के 20% काफ़ी स्लो होगी, जिससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप स्मार्टफोन को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेटिंग मिल जाती है, आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा डिम वाला, अगर आप ज़्यादा नाइट में विदाउट रूम लाइट स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो इसको आपको अनेबल कर लेना है। इसके बाद आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन ब्राइटनेस काफ़ी डिम हो जाएगी और आपके आईज़ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा।
और यहाँ पर ही हमें सिस्टम कंट्रोल वाली एक सेटिंग मिल जाती है। इसमें हमें एक सेटिंग मिलती है पावर बटन एंड कॉल। आप अगर जो किसी कॉल पर है उसके बाद पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी कॉल एंड हो जाएगी, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। आपको एक और अच्छी सेटिंग मिल जाती है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, नीचे आना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप पिनिंग वाला। ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर आपको किसी दोस्त को स्मार्टफोन देना है, वो कह रहा है कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन करके दे, आप चाहते हो बाकी वो स्मार्टफोन में और कुछ भी ना देखे, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है, रिसेंट्स एप्लीकेशन में जाना है, और यहाँ पर ऐप आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन वाला, पिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पर ना ही स्मार्टफोन के कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है और ना ही किसी और एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, वो इंस्टाग्राम के अलावा और कुछ नहीं चला सकता। अगर जो यहाँ से उसको बाहर जाना है तो उसके लिए स्वाइप अप करना है और होल्ड करके रखना है, उसके बाद डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा, और जब तक आप अपना पिन एंटर नहीं करोगे तब तक आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ सेफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है सेफ्टी एंड एमरजेंसी वाली सेटिंग्स में, और यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल इन्फॉर्मेशन, आपको इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इसको तो आपको ऐड कॉन्टैक्ट पर जाकर एक कॉन्टैक्ट को ज़रूर ऐड कर देना है, क्योंकि ये सिर्फ एमरजेंसी के टाइम पर ही काम आने वाला है। जैसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके बाद आपके स्मार्टफोन को कोई भी अनलॉक तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो एमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पर जाएगा और यहाँ पर व्यू एमरजेंसी इन्फो पर जाएगा तो यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके रखोगे वो भी शो हो जाएगी और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये आपके एमरजेंसी में काफ़ी काम आ सकती है, तो इसको आपको फिल कर देना है। और मोटो के स्मार्टफोन में मुझे एक और सेटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, उसके लिए आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट्स में। सबसे पहले लैंग्वेज में जाके अपनी दूसरी लैंग्वेज ऐड कर लेनी है, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग मिल जाती है ऐप लैंग्वेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं आप इनकी सिंगल एप्लीकेशन की भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम गूगल फाइल्स की बात करें तो अभी अगर हम फाइल्स को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर इंग्लिश में शो हो रहा है, लेकिन अगर हम दोबारा से उस सेटिंग्स पर जाते हैं, यहाँ पर गूगल फाइल्स पर जाते हैं और इसको यहाँ पर हिंदी पर सेट कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से जब हम गूगल फाइल्स को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ हिंदी में चेंज हो गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ऐप हैं किसी भी एक सिंगल एप्लीकेशन की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और सिस्टम सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पर एक नीचे परफॉर्मेंस ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको रैम बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर जो अपनी रैम को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी किसी केस में ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है वर्चुअल रैम, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ एप्लीकेशन की बात करने से पहले, स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे विजिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे ये आपको एक वॉच वाला विजिट्स मिलता है, अगर आप इसके साइज को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर सिटी ऐड कर देते हैं अपनी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मौसम के भी रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी आप इसको दोबारा से रिसाइज ही कर सकते हैं, और आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे विजिट्स मिल जाते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर टैप करके रखना है, विजिट्स वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन के काफ़ी अच्छे अच्छे विजिट्स मिल जाते हैं। आप जैसे क्लॉक में जाओगे तो यहाँ पर क्लॉक में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक के विजिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी हमें चार डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे इसका यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लॉक कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट विजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, बाकी सभी एप्लीकेशन के विजिट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमें एक फैमिली स्पेस वाला एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है। आप अगर जो अपने स्मार्टफोन को किसी बच्चे को देना चाहते हैं या फिर घर में कोई और आपके स्मार्टफोन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फैमिली स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फैमिली स्पेस में आप किस किस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। फैमिली स्पेस में जाने के बाद आपके स्मार्टफोन की किसी भी सेटिंग्स को वो छेड़ नहीं सकते हैं, और वापस नॉर्मल मोड में आने के लिए पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ही नॉर्मल मोड में आ पाओगे। बाकी यहाँ पर हमें गेम्स वाला एप्लीकेशन भी मिल जाती है, यहाँ पर हमें थोड़े बहुत कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जब भी आप किसी गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लॉक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है,
जाता है, लोग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। लोग मोड में आपके स्वाइप गेस्चर वगैरह वर्क नहीं करते, एक बार में दो बार में वर्क करते हैं, तो गेमिंग के टाइम पर ये काफी सही फीचर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, शेयर, गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, वाईफाई लेटेंसी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आपके गेमिंग के टाइम पर रेगुलर अच्छी पिंग आती रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी यहाँ से आप इसकी साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ्री फॉर्म को वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन को ऐड करोगे उसको फिर आप फ्री फॉर्म में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सअप ऐड कर सकते हैं, तो साथ में आप व्हाट्सअप पर रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो गेम मोड में हमें यही थोड़ी सी सेटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर हमें एक मोटो सिक्योर वाला ऐप मिल जाता है, इस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। सिक्योर फोल्डर के बारे में भी बात करेंगे, फिशिंग डिटेक्शन, इसको आपको अनेबल कर लेना है। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट अगर जो स्मार्टफोन पर अटैक करने की ट्राई करती है, तो उस टाइम पर ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करेगी। और यहाँ पर हमें पिन पैड स्क्रैम्बल का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर जो आप इसको अनेबल कर लेते हैं, उसके लिए आपको पिन वाला लॉक ही अनेबल होना चाहिए आपके स्मार्टफोन पर। उसके बाद आप जब भी स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए पिन एंटर करने जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये सभी न्यूमेरिक वर्ड स्क्रैम्बल होते हुए दिखेंगे, और आप अगर दोबारा से ओपन करोगे दोबारा से ये रीअरेंज हो जाएंगे। इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद इजीली कोई भी आपके पिन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे मेन फीचर सिक्योर फोल्डर के बारे में, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। आपके स्मार्टफोन का लॉक एंटर करने के बाद ये ओपन होगा, और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप पैटर्न भी रख सकते हैं, पिन या फिर पासवर्ड भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पैटर्न सेट कर देता हूँ सिक्योर फोल्डर के लिए स्पेशली, ये आपका मेन लॉक नहीं होगा, ये सिर्फ सिक्योर फोल्डर के लिए होगा। उसके बाद आपका सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर फाइल्स पहले से है, और यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर जाकर फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस भी आप एप्लीकेशन को ऐड करेंगे वो आपका डुअल ऐप की तरह वर्क करेगा, मतलब आप दो व्हाट्सअप चला सकते हैं, दो इंस्टाग्राम, मतलब कुछ भी चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को ले लेता हूँ और इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के लिए हमसे कहा जा रहा है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो पहले से एक इंस्टॉल इंस्टाग्राम है इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आईडी लॉगिन है। तो सिक्योर फोल्डर में आप जिस भी एप्लीकेशन को ऐड करोगे वो आपका डुअल ऐप की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पर आप फाइल में जो भी फाइल ऐड करोगे वो आपको सिर्फ सिक्योर फोल्डर में ही दिखने वाली हैं। और यहाँ पर आप अगर जो कैमरा एप्लीकेशन को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इस कैमरा एप्लीकेशन से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, तो वो फोटो आपको सिर्फ सिक्योर फोल्डर वाली जो फाइल्स एप्लीकेशन है यहाँ पर ही शो होगी। जैसे मैं इमेज बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक इमेज शो हो रही है, लेकिन अगर मैं बाहर वाले फाइल्स एप्लीकेशन में जाता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो इमेज शो नहीं होगी। तो मोटोरोला का ये सिक्योर फोल्डर वाला फीचर काफ़ी यूजफुल है, और आपको ये मोटो सिक्योर के नाम से नीचे ही देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर सिक्योर फोल्डर, जब आप इसको एक बार अनेबल कर लेते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको इसको गायब करना है। गायब करने से पहले मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, उसके लिए आपको थ्री लाइन पर जाना है, यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स में जाना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योर फोल्डर टाइम आउट का, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमीडिएटली व्हेन इन द बैकग्राउंड, जैसे ही आपने किसी एप्लीकेशन को बैक करा तो वो एकदम लॉक हो जाएगी, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ही आपको थ्री लाइन पर जाना है, यहाँ पर ही आपको दो सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है डिसगाइज्ड आइकन, अगर जो आप इसका यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइकन रख सकते हैं, जैसे मैं बर्गर वाला आइकन रखूँगा, और यहाँ पर टाइप आ नेम में आप कुछ भी नेम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिस्टम नेम रख दिया, उसके बाद मैं राइट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मेन पेज पर आकर अगर मैं सिक्योर फोल्डर को सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर शो नहीं होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर बर्गर आइकन के साथ सिस्टम शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं मोटो सिक्योर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर शो हो जाएगा। आपको यहाँ से भी कैसे गायब करना है अब बात करते हैं उसके बारे में। उसके लिए आपको दोबारा से तीन लाइन पर जाना है, और यहाँ पर आप डिसगाइज्ड आइकन को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टील्थ मोड, आपको इसको अनेबल कर लेना है। तो उसके बाद बाहर आप एप्लीकेशन ट्रे पर आकर देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ना ही वो बर्गर वाला और ना ही यहाँ पर हमें सिक्योर फोल्डर के नाम से शो होगा। और चाहे आप मोटो सिक्योर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी सिक्योर फोल्डर देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो यहाँ से भी गायब हो गया है। तो सिक्योर फोल्डर अब आपका और ज़्यादा सेफ हो गया है। कोई ये नहीं सोचेगा कि आपका मोटो वाला स्मार्टफोन है तो इसमें सिक्योर फोल्डर होगा जहाँ पर आपकी कुछ स्पेशल चीज़ होंगी। अब आपको सिक्योर फोल्डर को अगर ओपन करना ही है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, नीचे आना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखने के लिए मिल जाता है ये सिक्योर फोल्डर। आपको यहाँ पर जाना है और एंटर सिक्योर फोल्डर पर जाकर आप यहाँ से सिक्योर फोल्डर में एंटर
हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सिक्योर फोल्डर को गायब करना है। तो इन सभी सेटिंग्स को अनेबल करके आप अपने स्मार्टफोन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद आपको स्मार्टफोन को यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको इन समय कौन सी सेटिंग सबसे अच्छी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।